Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing with you all the topics under educational statistics, in which I have already discussed measures of central tendency and how to compute mean and median for grouped and ungrouped data. And in this video, I am going to discuss how to compute mode for grouped and ungrouped data. Okay, so the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for all the students. First of all, हम निकालने जा रहे हैं बहुलक. हमने पढ़ लिया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं, उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो केंद्र की तरफ अग्रसर होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनसे हमको एक अनुमान लग जाता है कि किस हिसाब से आंकड़ा है उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मान. तो जो औसत निकालते हैं उसको आप माध्य कहते हैं. जो मध्य का अंक होता है जिसके ऊपर और नीचे बराबर अंक लाई करते हैं वो माध्यिका होती है. और बहुलक के बारे में हम ये जान चुके हैं कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है डेटा में वही उसका बहुलक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो अंक आएगा, जो डेटा रिपीट होगा बार बार, वही उसका मोड हो जाएगा. तो जैसे मान लीजिए आपको आंकड़ा दिया है 58, 34, 32, 47, 74, 67, 35, 34, 33, 39, ये आंकड़े आपके पास हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें मोड बताइए. अच्छा, एक बात हम लोग ये भी कर चुके हैं कि कभी कभी ये भी संभव है कि दो अंकों की या तीन अंकों की या चार, बहुत बड़ा डेटा अगर है तो चार अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वो मल्टी मोडल ग्रुप हो जाएगा आपका. और कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई भी अंक रिपीट ना हुआ हो, तो इसकी भी संभावना होती है कि बहुलक हमको हमारे आंकड़ों में ना मिले. बट मोस्टली अगर मिलता है तो द मोड कैन बी कैलकुलेटेड इन सिंपल मैनर बाय जस्ट काउंटिंग द स्कोर्स दैट अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डेटा. हम उस अंक को गिन लेंगे, उसकी काउंटिंग कर लेंगे जो आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आया है. तो इस उदाहरण में, इन अवर एग्जाम्पल, द स्कोर अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज 34, दैट अकर्स ट्वाइस, दस द मोड इज 34. तो सॉरी, इन आंकड़ों में ये देखिए 34 यहाँ पर आया है और 34 फिर यहाँ आया है, तो 34 ही दो बार आया है, बाकी कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ है. तो इसका अनग्रुप्ड डेटा के लिए बहुलक जो है वो 34 हो जाएगा. लेकिन ग्रुप्ड डेटा के लिए जिसपे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, उसमें देखिए ग्रुप डेटा के लिए पूछते हैं तो दो तरीकों से आप बहुलक निकाल सकते हैं. एक तो आप ऐसा करिए कि मीन निकाल लीजिए, मीडियन निकाल लीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए क्या, मोड इज इक्वल टू 3 × median − 2 × mean, यानी कि माध्यिका का जो भी मान है उसका तीन गुना करके उसमें से औसत का जो भी मान है उसका दो गुना आप घटा देंगे तो बहुलक मिल जाएगा. ये तो सिंपल फॉर्मूला है. और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चूंकि आपको इसमें बहुत छोटी कैलकुलेशन है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि इस आंकड़े का माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो बहुलक बताओ. तो आप सोचेंगे कि आंकड़ा तो हमें बताया नहीं, सिर्फ माध्य माध्यिका बता दिया, तो बहुलक कैसे निकाले. तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 × median − 2 × mean. फिर दूसरा फॉर्मूला जो अभी तक हम लोग फॉर्मूले लगाते आए ग्रुप डेटा के लिए, जैसे हमने मीन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, हमने मीडियन के लिए पढ़ा था, एल क्या होता है, एफ एम क्या होता है, कौन सा मीडियन क्लास चुना जाता है, कौन सा मीन के लिए आप इंटरवल चुनते हैं, है ना, उसके ऊपर और नीचे डेविएशन निकालने, सब आप सीख चुके हैं, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करने की जरूरत है. इसके लिए फॉर्मूला है MO फॉर मोड, है ना. MO इज इक्वल टू L. L फिर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. कौन सा क्लास, मॉडल क्लास. मीन वाले केस में, सॉरी मीडियन वाले केस में मीडियन क्लास चुना गया था, यहाँ मॉडल क्लास चुना जाएगा. L प्लस यही हमको बस एक निकालना है, D1 और D2, ये दो मान हमको पता चल जाए तो फॉर्मूला इतना आसान है. L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू I. I हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल. L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो बस D1 D2 सीखना है हमको कि क्या है. तो जानते हैं L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच द मोड मे लाई कॉल्ड एज मॉडल क्लास, यानी कि वो क्लास इंटरवल, वो वर्ग अंतराल जिसमें मोड आने की संभावना है उसको आप मॉडल क्लास मानेंगे और उसी की निम्नतम सीमा को L मान लेंगे. I को क्लास इंटरवल मानेंगे, ये बात हो गई. D1 और D2, बस यही खास बात है ना. तो D1 क्या है, D किसके लिए डिनोट किया जा रहा है, डिफरेंस के लिए, अंतर है. किसका अंतर, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडल क्लास एंड क्लास इंटरवल बिलो इट, यानी कि जिस क्लास को आपने मॉडल क्लास बनाया है उसके नीचे जो भी क्लास इंटरवल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए तो D1 आ जाएगा. D2 क्या है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडल क्लास एंड क्लास इंटरवल अबव इट, यानी कि मॉडल क्लास की जो क्लास इंटरवल है और उसके ऊपर जो भी क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वही आपका D2 है.
तो हमको क्या करना है, डी वन डी टू के मान निकाल के सिंपली पुट कर देना है। तो देखिए हमारे पास आंकड़ा ये मिला, यही सेम आंकड़ा मीन के लिए, मीडियन के लिए और मोड के लिए भी यूज हो रहा है। तो देखिए आपका आंकड़ा चल रहा है 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, हर बार यही चलता है। अब हम किस क्लास को मॉडल क्लास बनाएं, ये हमारे को सीखना है, मतलब देखना है ना। तो मोड का मतलब होता क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आए। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा बार आया, सात, ये देखिए फ्रीक्वेंसी सात है। इसका मतलब मॉडल क्लास कुछ 30 से 34 के बीच में हो सकता है, मतलब मॉडल क्लास 30 से 34 हो सकता है, मोड का मान इसके बीच में कहीं आएगा। तो हमारा मॉडल क्लास 30 से 34 हो गया, इसलिए एल का मान क्या हो गया, निम्नतम सीमा 30 से शुरू है, इसलिए निम्नतम सीमा क्या हो जाएगी, 29.5, 29.5 हो जाएगी। और डी वन और डी टू दोनों ही दो आएंगे, क्यों, क्योंकि इसके नीचे की क्लास की भी फ्रीक्वेंसी 5 है, ऊपर की क्लास की भी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो दोनों ही दशाओं में 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी कि डी वन का मान भी 2 है और डी टू का मान भी 2 है। और क्लास इंटरवल का मान क्या है, 10 से 14 के बीच में वर्ग अंतराल कितना है, 5 है, आप सीख ही चुके हैं। तो बस फॉर्मूले में रख दीजिए, सबसे पहले हमको निकालना था मॉडल क्लास, हमने निकाल लिया 30 से 34, फिर हमको निकालना था लोअर लिमिट, हमने निकाल लिया 29.5, फिर क्लास इंटरवल हमने निकाल लिया 5, फिर डी वन डी टू हमने निकाल लिया 2 और 2 है। अब लगा दीजिए, एमओ इज इक्वल टू एल प्लस डी वन अपॉन डी वन प्लस डी टू इंटू आई। एल कितना था 29.5, डी वन कितना था 2, डी टू कितना था 2, तो 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5, तो नीचे में 29.5 एज इट इज आ गया, प्लस आपने कोष्ठक हटा दिया तो इसको हल कर लिया, क्या किया नीचे 2/2 + 2 है ना, तो 2/4 हो गया, गुणे 5। अब 2/4 का मान कितना आएगा, 0.5 आएगा, और 0.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 29.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, यानी कि आपका मोड का मान, बहुलक का मान आ गया 32। और आपने मॉडल क्लास लिया क्या था, 30 से 34 लिया था, इसका मतलब सही आपने सवाल किया है कि 30 से 34 के बीच में ही कहीं 32 के रूप में बहुलक हमको मिल गया। या हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि पहले मीन निकालें फिर मीडियन निकालें, लेकिन क्यों इतनी मेहनत करें ना, बार बार आप एक बार मीन निकालें, एक बार मीडियन निकालें, सिंपली ये फॉर्मूला लगा दीजिए। या मीन और मीडियन के मान आपको पहले से ही पता है तो वो फॉर्मूला लगाइए कि मोड इज इक्वल टू 3 median - 2 mean, अदरवाइज दिस इज द सिंपलेस्ट रूट टू सॉल्व मोड, टू कंप्यूट मोड। ओके, तो इन दिस वे वी हैव लर्नड how to compute mean, median and mode, that is the measures of central tendency for the grouped as well as ungrouped data. तो अब माध्य, माध्यिका और बहुलक में से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको कर सकने में सक्षम होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ, क्योंकि वो एकदम आसान है। पहले कंसेप्ट समझिए, फिर आप चीज समझिए क्या है कैसे है, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में किस L का मान क्या है, M क्या होता है, F क्या है, FM क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है, N क्या है, सब हमको जान के रखना है। और बस आपको आपका आंकड़ा है और उसी आंकड़े में आपको पता करना है कि कौन से अंक का मान क्या हो, और उसको रख के सही गणितीय सूत्र लगाएंगे तो सही उत्तर आएगा। और बार बार हमने आपसे कहा है कि अगर आप एक बार सवाल के जवाब सही निकलने लगते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि अरे वाह, ये भी सवाल का जवाब सही, ये भी सवाल का जवाब सही, हमने कहीं गलती नहीं की, हम सही कर रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं। तो इट वुड बी, इट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू ऑल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस विच will be based on the central measures of central tendency, that is mean, median, mode. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.